ये जाति आधारित जनगणना की मांग करने वाले कौन लोग हैं भाई, और क्यों करानी है आपको जाति के आधार पर जनगणना? एक बड़ी पार्टी कह रही है कि नहीं, केवल एससी एसटी का ही जनगणना कराएंगे, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं ओबीसी की भी जनगणना कराइए। क्यों भाई, क्यों करवानी है जनगणना आपको, और क्या साबित करना चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी है तो हमने जनसंख्या बढ़ाकर देश पर बहुत बड़ा एहसान किया है? और जनसंख्या बढ़ाने को यदि आप महानता समझते हैं तो हम समझते हैं कि आपसे ज्यादा महान वो कुत्ते हैं गली के जो साल में आधा दर्जन बच्चे पैदा करते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? हमारी आबादी इतनी, सवर्णों की आबादी इतनी आपके हाथ में है, कभी हमारी आबादी, आज हमारी आबादी 30% से अधिक है। आपके नेताजी कहते हैं कि 10% वालों का राज नहीं चलेगा। कुछ नेताजी कह के चले गए कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और फिर आप इसी को साबित करने में लगे। तो उन जातियों का क्या जिन्होंने बाहरी आक्रांताओं से लड़कर अपनी आबादी कम की है, जिनके पूर्वजों ने, जिन्होंने इस देश के विकास के लिए अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण किया और हम दो हमारे दो का नारा दिया, और अब तो हम दो हमारे एक का नारा दे रहे हैं, तो उन जातियों का कोई योगदान नहीं। सबसे अधिक योगदान उनका है जो दर्जनों बच्चे पैदा किए, और आज कह रहे हैं कि हमारी इतनी आबादी इसलिए हमारी बात होनी चाहिए। और जिनकी आबादी कम रहेगी देश के विकास के नाम पर, जिन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल में रखा, उनकी बात नहीं होनी चाहिए। तो सुनो, आबादी जनसंख्या यदि जनगणना कराना चाहते हो तो जनगणना केवल इंसानों की और जातियों के नहीं होती है, जनगणना कितने प्रकार के जानवर रह रहे हैं देश में उनकी भी होनी चाहिए, कितने पेड़ पौधे हैं उनकी भी होनी चाहिए। और जनगणना यदि कराना ही है तो जाति के आधार पर नहीं, जनगणना गरीबों की करवाइए। आप प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में, प्रखंड में, गांव-गांव जाकर ये पता कीजिए कि कौन लोग गरीब हैं और उनको कौन से सरकारी योजना की आवश्यकता है, क्या उनको लाभ मिलनी चाहिए। तो आपको जाति के आधार पर जनगणना कराना है, और उन नेताओं को भी शर्म नहीं आता जो कब्र में अपना पैर लटकाए हुए हो, कहते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होना चाहिए और ये होकर रहेगा। क्यों, जाति जाति करते करते तो अब तो कब्र में पैर लटके हुए हैं, देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, और आज भी जाते जाते भी और भी जो बचा खुचा है वो करना चाह रहे हैं। देश के लिए सोचिए, इसके विकास के लिए सोचिए। ये मत सोचिए कि हमने जाति की आबादी बढ़ाकर बहुत बड़ा देश पर एहसान किया है, आपने देश का बेड़ा गर्क किया। जिन लोगों ने अपनी जनसंख्या बढ़ाई है, आप उनसे पूछिए कि उनकी क्या स्थिति है। राजनेताओं के लिए तो अच्छा है, उनके जातियों का वोट बैंक बढ़ता है, लेकिन उन लोगों के लिए क्या है जिसके सिर पर रहने को छत नहीं है। आज इस देश की आबादी इतनी हो गई कि हमारी 50% आबादी के पास सर छुपाने को छत नहीं है, वो सड़क किनारे सो रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर रात गुजार रहे हैं, और आपको फिर भी लगता है कि आपने बहुत बड़ा महानता का काम किया है, और ये काम पूरे दुनिया को दिखाना चाहिए कि देखिए हमने कितनी अधिक आबादी बढ़ाई है हमारी जाति वालों ने। शर्म नहीं लगता है जाति आधार पर जनगणना की मांग करते हुए? जनगणना यदि होगा या होना चाहिए तो केवल और केवल गरीबों की होनी चाहिए, कि इस देश में अब कितने गरीब रह गए हैं और उनके लिए वो कौन से सरकारी सुविधा से वंचित हैं और उनको क्या लाभ मिलने चाहिए।